नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर क्षेत्र के गांव पलड़ी में एक व्यक्ति का शव कमरे में अर्धनग्न हालत में मिला, जिसके पश्चात थाना शाहपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्या का खुलासा करने के लिए टीम का गठन किया गया था, जिसके पश्चात थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार शर्मा को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए थाना शाहपुर पुलिस ने एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात आदित्य बंसल ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि इस हत्याकांड में एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। जब नाबालिग युवक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अब से 4 माह पूर्व वह जब मस्जिद में पढ़ने गया था तो मस्जिद के सामने रहने वाले व्यक्ति ने उसे अपने घर बुला लिया और घर बुलाकर मेरे से गलत काम करवाया और मेरे साथ गलत काम किया। इस गलत काम की उसने वीडियो भी बना ली, तभी से वह मुझे डरा धमका कर मेरे साथ गलत काम करता रहा। इससे परेशान होकर मृतक व्यक्ति ने मुझे 19 मई को घर पर बुलाया। उस दिन मृतक व्यक्ति के बच्चे और बीबी घर पर नहीं थे। उस दिन भी मुझसे गलत काम करने को कहा तो मेरे साथ गलत काम करना चाहा, जिसका मैंने विरोध किया। उसने मेरे साथ मारपीट करनी चाही। मैंने गुस्से में वहीं रखे दाव से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे जमीन पर गिर गया और उस पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। दिनांक 20/5/2024 को थाना शाहपुर पर ग्राम पलड़ी में हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल थाना शाहपुर पर एक हत्या का 302 आईपीसी में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और एक पुलिस टीम जो है घटना के अनावरण के लिए गठित की गई। इसमें तमाम तकनीकी एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस का विश्लेषण किया गया। उसके उपरांत आज थाना शाहपुर पुलिस द्वारा इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। हत्या करने में एक बाल अपचारी इसमें मेन अभियुक्त है। इसकी उम्र लगभग 15 वर्ष है। पूरी जांच उपरांत यह बात सामने आई है कि जो मृतक नज़ाकत है, उसका बाल अपचारी के साथ अवैध संबंध था। वो पिछले 2 महीने से उस लड़के के साथ संबंध बना रहा था, उसको डराकर, धमकाकर, कभी चाकू की नोक पर, उसके बयानों के आधार पर कभी उसको कट्टा भी दिखाया गया है और उसकी एक उसने वीडियो भी बना रखी थी, अश्लील वीडियो। उस वीडियो से भी उसको ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध बनाता था। दिनांक 19/5 को मृतक की पत्नी और बच्चे उसकी पत्नी के मायके गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था। मृतक ने उस बच्चे को अपने घर बुलाया, उसको वीडियो का डर दिखाते हुए, ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसको फोर्स किया। बच्चा पेन में था, बच्चे ने मना किया, मना करने की कोशिश की, पर फिर भी जो है मृतक ने उसको संबंध बनाने के लिए फोर्स किया। तो पेन में उस समय उसके कमरे में पड़े एक दाव को हाथ लेकर के उस बाल अपचारी ने उस नज़ाकत के गर्दन पर और सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी और उस दाव को और उसके मोबाइल को, जिसमें उसको लगता था कि उसकी वीडियो स्टोर है, उसको लेकर के वो छत के रास्ते से भाग गया और छत पर ही उसने उसका मोबाइल तोड़ दिया और मोबाइल और दाव को फेंक दिया। बालापचारी को हिरासत में लेकर के उसकी निशानदेही पर अलाकतल जो दाव है और टूटा हुआ मोबाइल वो बरामद कर लिया गया है और आज उसे जो है न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मृतक पर आपराधिक इतिहास है, उसके ऊपर पिछले 5-6 मुकदमे हैं, जिसमें 304 कल्पेबल होमिसाइड, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, गौकशी जैसे अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। ये हकीम था, कुछ दवाई, कुछ तफीस वगैरह, तांत्रिक का भी काम ये करता था। हाथ में आया और उस दाव से उसने हमला करके जो है मृतक है उसकी मृत्यु कर दी और उसके बाद वो सीढ़ी के रास्ते से ऊपर छत रास्ते से भाग गया और दाव को उसने धो करके और उसको फेंक दिया। और जो मृतक का मोबाइल है, उसको शक था कि उस मोबाइल में उसकी जो वीडियो है वो स्टोर है, तो इसलिए उसने मोबाइल भी उस दाव से ही तोड़ करके उसको फेंक दिया। तो बाल अपचारी की निशानदेही से हमने वो आला कतल दाव और मोबाइल टूटा हुआ बरामद कर लिया। टेक्निकल एविडेंस है और हर तरीके का फॉरेंसिक एविडेंस यूज़ करते हुए इसमें जाँच की गई। जांच उपरांत ही आज इस घटना का सफल अनावरण थाना शाहपुर पुलिस ने कर दिया है। इसमें हत्या करने वाला जो मेन आरोपी है वो एक बाल अपचारी है, 15 साल का लड़का है। पूरी बात की जांच के बाद ये बात सामने आई है कि जो मृतक नज़ाकत है, उसके जो हैं वो संबंध बनाता था, जो मुजरिम बाल अपचारी है वो उसको फोर्स करता था संबंध बनाने के लिए। कई बार उस पिछले एक दो महीने से उसके साथ वो संबंध बना रहा था, उसको डरा धमका रहा था, चाकू से भी डरा रहा था, उसके ऊपर कट्टा रखने की भी बात आई है, उसकी उसने कुछ अश्लील वीडियो भी बना रखी थी, उस वीडियो से भी उसको जो है ब्लैकमेल करके उसके साथ अवैध संबंध बनाता था।
दिनांक 19/5 को उसकी पत्नी और उसके बच्चे सारे जो है पत्नी के मायके गए हुए थे, घर पे कोई नहीं था। तो उसने उस बच्चे को अपने घर बुलाया, उसके साथ उसको नाजायज संबंध बनाने के लिए उसको फोर्स किया, उसके साथ मारपीट भी की। बच्चा बहुत पेन में था और रोष में था, तो उसको कुछ वैसे वो करता था, क्या बोलते हैं उसको, हकीम वगैरह का काम था, दवाई वगैरह तफीज वगैरह का काम था। जैसे ये जो है पहले भी कई बार जेल जा चुका है, इसके ऊपर पहले भी कई बार जेल जा चुका है। ये कल पेपर होमसाइड 304 में जेल गया है, 392 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लूट वगैरह में भी जेल गया है, और एक बॉक्सी के मामले में भी जेल गया है।